हॅलो तो सामना 3 ओव्हरचा खेळवायचा आहे पंचांनी. सेमीफायनल सामना 3 ओव्हरचा. कातलेवाडीने टॉस जीतकर पहिले फिल्डिंग करने का निर्णय लिया है और दसूरेवाड़ी को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए. तो दसरीवाड़ी के ओपनर बल्लेबाज रुचि और एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का. तो इस अतिरिक्त रन से साथ स्कोरिंग को बढ़ा लिया है 1 रन बगैर कोई नुकसान. विलास नाचनेकर और क्लीन बॉल कर दिया है बल्लेबाज को. पहला झटका दिया है दसूरेवाड़ी को 1 रन के स्कोर पे. सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच कातलेवाड़ी और दसूरेवाड़ी के बीच. बहुत ही बढ़िया मुकाबला. विलास नाचनेकर इस सेमीफाइनल मैच चल रहा है कातलेवाड़ी और दसूरेवाड़ी के बीच. विलास नाचनेकर उनके सामने है चेतन. बढ़िया मुकाबला. नाचनेकर अपने तैयारी में फॉलोथ रूम में और उनका सामना करने के लिए बैट्समैन तैयार है चेतन. नाचने करके अगली गेंद चेतन के लिए बहुत बढ़िया गेंद और हल्का सा क्लीन बॉल. दूसरी सफलता. नाचने कर बहुत ही अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं. पूरा करिश्मा दिखाते हुए अपने टीम के लिए बढ़िया योगदान देने चाहेंगे वो और सफल भी हुए हैं. अब तक पहली ओवर में 2 सफलता हासिल कर दी है 1 रन के स्कोर पे. नए बल्लेबाज रुपेश. विलास नाचनेकर 2 सफलता हासिल कर लिया है 1 रन के स्कोर पे दसूरेवाड़ी के. तो दसूरेवाड़ी के विकेट लगातार गिरते हुए हैं. नाचने करके अगली गेम और इसको ये विलास नाचने करने सुनील रिमो का हैट्रिक किया है और अपना हैट्रिक के साथ अपना नाम भी रोशन किया है. विलास नाचने कर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म. विलास गेंदबाजी में करिश्मा दिखाकर हैट्रिक बनाई है और दसूरेवाड़ी को लगातार 3 गेंदों में 3 सफलता हासिल करके बड़ा झटका दिया है. वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. विलास नाचनेकर यांनी हॅट्रिक पाडली आहे त्यांना शिवशक्ती वॉरियर्स कडून. 101 रुपयाचे पारितोषिक आहे त्यांनी घेऊन जायचे नंतर. धन्यवाद शिवशक्ती वॉरियर्स कडून 101 रुपये द बॉस विलास नाचनेकर. विलास नाचनेकर सेमीफाइनल मैच बहुत ही बढ़िया करिश्मा हैट्रिक लिया है. एक रन के स्कोर पे विलास नाचनेकर हैट्रिक तो बना चुके हैं. सामने है मिलिंद. बहुत बढ़िया करिश्मा, बहुत बढ़िया योगदान अपने टीम के लिए दिया है विलास नाचनेकर ने. वो भी बड़ा मुकाबला में, बढ़िया मुकाबला सेमीफाइनल मैच. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. स्क्वेयर कट किया है बल्लेबाज ने 2 रन के लिए. तो इस 2 रन के साथ स्कोरिंग को बढ़ा लिया 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर. विलास नाचनेकर पूरे अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हुए
पूरा अनुभव उनके पास बहुत ही बढ़िया अनुभव है अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फिर भी बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक सकते, चार रन तीन विकेट के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया मुकाबला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। शिव शक्ति वॉरियर्स ने इस टूर्नामेंट का नियोजन किया था, आज इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन और आखिरी दिन का सेमीफाइनल मैच चल रहा है। विलासनाथ नगर अगले गेम और लगातार ये लगातार विकेट पे विकेट लेते हुए एम्पायर सलाह मसलत करते हुए अभी तक कैच आउट। तो विलास नाचनेकर ने बहुत ही बढ़िया करिश्मा कर दिखाया है पहले ही ओवर में, चार सफलता जो कि बहुत मूल्यवान बहुत बढ़िया करिश्मा अपने टीम के लिए भी और अपने लिए भी बहुत ही बढ़िया योगदान टीम के लिए। ओके धन्यवाद। रनआउट है, रनआउट सॉरी। तो रनआउट के रूप में विकेट का सिग्नल हैम्पर डिसीजन रनआउट है क्या कैच आउट है रनआउट। ओके तो रनआउट के रूप में चौथा झटका और बैट्समैन ने इसको खेल दिया है। लगातार 25 सफलता जो कि कतलेवाड़ी के गेंदबाज ने हासिल कर लिया है। चार रन के स्कोर पे 5 विकेट बहुत ही खराब बल्लेबाजी का नजारा और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। सेमीफाइनल मैच बहुत ही बढ़िया मुकाबला लेकिन बहुत ही खराब बल्लेबाजी 5 विकेट 4 रन के स्कोर पे और नए गेंदबाज है नीलेश। नीलेश की अगली गेम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गुरव कुठे असेल ते नाही द्यायचे पद्म गुरव प्रथमेश गुरव उठवायचे द्या उठव प्रसाद की अगली गेम नीलेश के लिए। नीलेश ने इसको खेल दिया है लोंगन एक्स्ट्रा बाउंड्री के तरफ 2 रन के लिए। तो इस 2 रन के साथ 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर बहुत खराब बल्लेबाजी पद्म गुरव अशोक राव बक्षुद भूम्या योगे फिर से खेल दिया है कोई रन नहीं 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर दसुरेवाड़ी के बल्लेबाज बहुत ही खराब बल्लेबाजी और इसको उछाल कर मार दिया है और एक कैच को ड्रॉप कर दिया। तो इसी के साथ 2 रन तो 8 रन बना चुका है बल्लेबाज 5 विकेट के नुकसान पर कसूरवाड़ी के बल्लेबाज लड़बड़ाती बल्लेबाजी 5 विकेट खो चुके हैं 8 रन के स्कोर पे अच्छी गेंदबाजी कातलीवाड़ी की तरफ से। तो 2 ओवर की समाप्ति 8 रन बना लिया है 5 विकेट के नुकसान पर बहुत ही बढ़िया मुकाबला लेकिन बहुत ही खराब बल्लेबाजी और उतनी अच्छी फील्डिंग का नजारा बहुत ही अच्छा फील्डिंग किया है गेंदबाजी भी अच्छी किया है कातलीवाड़ी के खिलाड़ी ने और बल्लेबाज को लगाम लगा के रखा हुआ है स्कोरिंग को रोक दिया है 8 रन बनाए हैं 5 विकेट के नुकसान पर।
जबकि इनिंग की आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज रितेश राकेश गुरु इकड़े ऐसे राकेश गुरु और उनका सामना करेंगे बल्लेबाजी करेंगे निलेश अपने लिए पहला टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए उनका सामना करेंगे निलेश निलेश ने इसको खेल दिया है बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फिर भी दो रन तो इस दो रन के साथ 10 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल मैच दूसरा सेमीफाइनल मैच इसमें जीतने वाला टीम फाइनल में प्रवेश करेगा अगली गेम और बल्लेबाज ने इसको खेल दिया है और ये छठवां विकेट रन आउट के रूप में ग्यारह रन के स्कोर पे तो दसूरीवाड़े के बल्लेबाज लगातार अपनी विकेट खोते हुए छठवां विकेट खो चुके हैं 11 रन के स्कोर पे और काकलेवाड़ी के जो फील्डर्स बहुत चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए फील्ड करते हुए पद्मगुरु और नए बैट्समैन प्रतमेश गुरव दीपेश अर्जेंट काम है प्रतमेश गुरव रितेश रितेश की अगली गेम तो इस तो बल्लेबाज ने 3 रन चुरा लिए हैं तो 3 रन के साथ स्कोरिंग को बढ़ा लिया है 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14 रन लॉस ऑफ 6 विकेट तो 6 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए हैं जबकि इनिंग का आखिरी ओवर चल रहा है सेमीफाइनल मैच पीछे और फिर 3 रन चुरा लिए है बल्लेबाज ने 3 रन चुरा लिए 3 रन के साथ 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर दसूरीवाड़े के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बना चुके 6 विकेट के नुकसान पर काकलेवाड़ी के फील्डर्स बहुत चतुराई के साथ फील्डिंग और गेंदबाजी करते हुए अपने अनुभव का पूरे पूर फायदा उठाते हुए 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर दूसरा सेमीफाइनल मैच इस टूर्नामेंट का बहुत ही बढ़िया माहौल बहुत ही बढ़िया मैच बहुत ही बढ़िया मुकाबला अगली गेम रितेश के तरफ से अच्छी गेंदबाजी फिर भी बल्लेबाज को 2 रन से नहीं रोक सकते तो इस 2 रन के साथ 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर 19 रन लॉस ऑफ 6 विकेट बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल रितेश की अगली गेम और बैट्समैन ने खेल दिया है स्क्वायर कट कर दिया है 1 रन के लिए साथ ही साथ स्कोरिंग को बढ़ा लिया 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर तो दसूरीवाड़ी ने निर्धारित 3 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए है और चुनौती रख दी है 21 रन बनाने की काकलेवाड़ी के लिए
तो दसूरे वाड़े ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिया है, यानी कि चुनौती है 21 रन की, 21 रन टू विन कतलेवाड़ी के लिए 21 रन बनाने हैं। और जीतने वाला टीम फाइनल में प्रवेश करेगा इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। बहुत ही अच्छा बढ़िया मुकाबला। दसूरेवाड़ी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए थे और कतलेवाड़ी को चुनौती रख दिया है 21 रन बनाने की। टूर्नामेंट का आखिरी मैचेस आखिरी मुकाबले चल रहे हैं, तो दूसरा सेमीफाइनल इस ग्राउंड पे चल रहा है कातलेवाड़ी और दसूरे के बीच। दसूरेवाड़ी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बना लिया है 6 विकेट के नुकसान पर। कातलेवाड़ी के ओपनर बल्लेबाज विलास नाचनेकर और प्रसाद भूते मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवाली, जैसे जैसे बंदूक की गोली। मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली, जैसे जैसे हो ईद में होली। पर विलास नाचनेकर स्ट्राइक लेंगे प्रसाद भूते और गेंदबाज है दीपेश। बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल कातलेवाड़ी और दसूरेवाड़ी के बीच। तो दसूरेवाड़ी ने 20 रन बना लिया है और चुनौती रख दी है 21 रन बनाने की। तो कातलेवाड़ी के लिए कातलेवाड़ी के ओपनर बल्लेबाज प्रसाद भूते के लिए अगले गेम, और भूते ने इसको खेल दिया है स्ट्राइक और पहली सफलता जो कि भूते के रूप में। दसूरेवाड़ी की बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहला झटका दिया है कातलेवाड़ी को भूते के रूप में। तो प्रसाद भूते वापस लौट चुके हैं, नोश को कोई भी रन नहीं बनाया। तो कातलेवाड़ी को पहला झटका और दसूरेवाड़ी ने अपने लिए पहली सफलता हासिल कर ली है बगैर कोई रन कोई भी नहीं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल दसूरेवाड़ी और कातलेवाड़ी के बीच। नए बल्लेबाज आशीष पेडणेकर, और गेंदबाज है दीपेश। पहली गेंद पे विकेट दिलवाई है अपने टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा। दीपेश की अगली गेम आशीष के लिए और दूसरा घटा, बहुत ही बढ़िया नजारा फील्डिंग में और गेंदबाजी में। मुकाबला ही मुकाबला होता है अभी आशीष को भी, दीपेश को भी हैट्रिक का मौका है। लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता
ने इससे पहले हैट्रिक बनाई थी, अभी वही सुनहरी मौका जो कि डिफेंस के पास है, लगातार दो गेंदों पर दो विकेट हासिल कर लिया है और अभी हैट्रिक का मौका डिफेंस के पास भी है। बहुत ही बढ़िया मौका, सुनहरी मौका डिफेंस के पास भी। विलास नाचनेकर ने इससे पहले हैट्रिक बनाया था और वही मौका दीपेश के पास, दो लगातार दो गेंद पे दो सफलता, हैट्रिक का मौका दीपेश। हमने अगली गेम और इसको खेल दिया बैट्समैन ने दो रन के लिए। इस दो रन के साथ अपना खाता खोल दिया है गणेश ने। गणेश ने साथ ही साथ खाता खोल दिया अपना भी, अपने टीम का भी, दो रन दो विकेट के नुकसान पर। और गणेश ने स्कोर खेल दिया है, उतनी अच्छी फील्डिंग दसरीवाड़े की तरफ से, एक ही रन। रन तो तीन रन दो विकेट के नुकसान पर। दीपेश की अगली गेम, अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया मुकाबला, ये दूसरा सेमीफाइनल मैच टूर्नामेंट का, जो भी टीम जीत हासिल करेगा वो टीम सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। दीपेश की अगली गेम और इस बैट्समैन ने इसको खेल दिया है और ये तीसरी सफलता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया करिश्मा, तीन रन के स्कोर पे तीन विकेट खो चुके हैं काटलेवाड़ी के बल्लेबाज। तो आशीष वापस लौट चुके हैं तीन रन के स्कोर पे, टीम का स्कोर है तीन रन तीन विकेट। तो पहली ओवर की समाप्ति, जितना भोकना है भोक लेना खुद, तो तीन रन बना लिया है डालूंगा तीन विकेट के नुकसान पर। गणेश आहे ना, आता नवीन कोण बॅचून गेला, मकरंद बॉलर मकरंद बॉलर कोण बहुत अच्छा मुकाबला, तीन रन तीन तीन विकेट के नुकसान पर और बैट्समैन ने कैच को ड्रॉप कर दिया है। साथ ही साथ बैट्समैन ने दो रन चुरा लिए हैं, तो पांच रन तीन विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी और ये चौथी सफलता दसरीवाड़े के गेंदबाज ने हासिल कर लिए पांच रन के स्कोर पे। तो मला घाबरला, बहुत ही बढ़िया मुकाबला, पहले दसरीवाड़े के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अभी दसरीवाड़े के गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चार विकेट पांच रन के स्कोर पे। इसको बोलता है बहुत ही बढ़िया मुकाबला, बहुत ही बढ़िया चुनौती मुकाबला हो तो ऐसा होना चाहिए। मिलिंद बहुत ही अच्छा गेंदबाजी करते हुए पूरे अनुभव का
फायदा उठाते हुए मिलिंद की अगली गेम और एम्पर ने इसको व्हाइट करार दिया है। तो इस अतिरिक्त के साथ 6 रन 4 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल मैच और बैट्समैन ने इसको खेल दिया है 1 रन के लिए 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 रन बना चुके हैं कातलीवाड़ के बल्लेबाज और इसको खेल दिया है और ये बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। तो इस चक्के के साथ स्कोरिंग को बड़े तेजी से बढ़ाते हुए 13 रन 4 विकेट के स्थान पर 13 रन बना लिया है कातलीवाड़ के बल्लेबाज ने। अभी भी जीतने के लिए 14 रन की जरूरत जबकि दूसरा ओवर जारी है। मिलिंद के अगले गेम बहुत ही अच्छा रनिंग मिकिंग द विकेट और एम्बर का इशारा वाइट बॉल का तो लगा 3 रन के साथ स्कोरिंग को बढ़ा लिया है 16 रन। बहुत ही बढ़िया मुकाबला 16 रन बना चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी गुड लेंथ बॉल करते हुए कोई रन नहीं 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाज को रोक दिया है। तो 16 रन 2 ओवर की समाप्ति। अभी जितने के लिए 6 गेंदों में 5 रन बनाने हैं कातलेवाड़ी को 6 गेंदे और 5 रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए कातलीवाड़ी को। योगेश अपने लिए पहला टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर आए हैं और कातलीवाड़ी को जीतने के लिए सिर्फ 5 रन बनाने हैं 6 गेंदों में 5 रन। इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल अगली गेम और इसको खेल दिया है बैट्समैन ने गेंद के नीचे और इसको पकड़ लिया है कैच को। तो कातलीवाड़ी को बल्लेबाज को बहुत जल्दी है वो बहुत जल्दी में है और जल्दी में वापस लौट चुके हैं। तो 5 विकेट अभी भी 5 गेंदे में 5 रन बनाने हैं। योगेश देखना है अपने टीम के लिए अभी क्या योगदान देते हैं। 5 गेंदे बचे हुए हैं और कातलीवाड़ी को 5 रन बनाए योगेश की अगली गेम। अच्छी गेंदबाजी 4 गेंदे 5 रन बहुत ही बड़ा रोमांचक मैच सेमीफाइनल मैच। योगेश की अगली गेम ओ बहुत ही लाइन लेंथ के साथ गुड लाइन लेंथ में बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज अनुभव के साथ बढ़िया गेंदबाजी। पांच रन 3 गेंदे में 5 रन योगेश के अगले गेम बढ़िया गेंदबाजी बहुत ही अच्छा गेंदबाजी हो रही है अभी 2 गेंदे में 5 रन बहुत ही बढ़िया मुकाबला शेष 2 गेंदे बचे हुए हैं और कातलीवाड़ी के बल्लेबाज
हड़बड़ाहट में योगेश अपने टीम के लिए बढ़िया योगदान देना चाहते हैं और बैट्समैन ने खेल दिया है। उतनी अच्छा फील्डिंग है और इसी के साथ दो रन चुरा लिए है बैट्समैन ने। शॉट ऑफ तो हैम्पर का सिग्नल है शॉट ऑफ रन। तो अभी भी हैम्पर सिग्नल शॉट रन। तो अभी भी जीतने के लिए 4 रन सिर्फ एक गेंदे बचे हुए है और 4 रन बनाने हैं जीतने के लिए कटलीवाड़ी को। बढ़िया मुकाबला रोमांचक मैच। योगेश दसूरीवाड़ी के गेंदबाज योगेश बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है मैच में। दसूरीवाड़ी ने इस मैच में कमबैक किया है और आखिरी गेंद है। बल्लेबाज भी थोड़ा हड़बड़ाहट में और गेंदबाज ने कमबैक किया है इस मैच में। अभी जीतने के लिए योगेश की अगली गेम और ये मैच दसूरीवाड़ी ने जीत लिया है। कमेंट और कमेंट इस मुकाबले में